एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध के राज में गधे पंजीरी खाए। कुछ वैसा ही इस वक्त कनाडा के अंदर हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मांगी है माफी, और इस माफी के बाद भी अब मुस्लिम समुदाय उतर आया है और मुसलमानों ने कनाडा के पीएम को कहा है माफी मांगो। बड़ा हंगामा हो रहा है, मोर्चा खोल दिया है मुसलमानों ने कनाडा के पीएम के खिलाफ, और इनके समर्थन में भी आ गए हैं विपक्ष के नेता। जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लिंकन और जयशंकर की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में कयास लगाया गया कि कनाडा को लेकर होगा बवाल। जानेंगे इस मीटिंग में क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो सब तरफ से खराब होता है, वैसा ही इस वक्त जस्टिन ट्रूडो के साथ हो रहा है। आपको बता दें, सबसे पहली बात ये कि जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार माफी मांगनी ही पड़ी। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलेवरे ने ट्रूडो पर निशाना साधते हुए पूछा था कि क्या देश ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना किया है। उन्होंने कहा कि राजनयिक यात्राओं की सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी ट्रूडो के ऊपर है। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम के दौरान एक नाजी दिग्गज को सम्मानित करने के लिए कनाडाई संसद में माफी मांगी है। हालांकि जब व्यक्तिगत तौर पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इस घटना पर विपक्ष के नेता ने पीएम ट्रूडो पर निशाना साधा और कहा कि तुम अपने लिए भी माफी मांगो। खैर, गोलमोल तरीके से ही सही, लेकिन कनाडा के पीएम ने इस मामले में माफी तो मांग ली। अब यहाँ माफी पर सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अजीब बात नहीं है, इतने बड़े संसद में आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला रहे हो, एक शख्स को महासम्मान दे रहे हो, खड़े होकर तालियां बजा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हमें कुछ पता ही नहीं था। तो जब पता नहीं था तो खड़े होकर तालियां क्यों बजा रहे थे। खैर चलो, यहाँ पर क्या मामला खत्म हो गया। आपको बता दें, हुआ क्या, कनाडा और भारत को लेकर एक प्रश्न उठ रहा था कि अभी एंथनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात होने वाली है, और इस मुलाकात में जरूर कनाडा को लेकर कुछ न कुछ बड़ा निकलेगा। आपको बता दें, ये मीटिंग हो गई और इस मीटिंग के बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि देखो, हमने द्विपक्षीय बातचीत की है, लेकिन इसमें कनाडा मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत ने साफ कर दिया है कि देखो, ये दो देशों का मामला है और हम उसी देश से बात करेंगे। एक चीज तो साफ है, दूसरी चीज साफ है कि अमेरिका इस मामले में और ज्यादा नहीं घिसना चाहता है। फिर आपके मन में ख्याल आएगा, ये अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं। आप जरा बयान उठाकर देख लेना, भले अलग अलग लोगों ने दिया हो, लेकिन सबके बयान एक ही हैं, और वो बयान ये है कि हम जांच में सहयोग की मांग करते हैं। इसके अलावे कोई बयान नहीं है। यही एक लाइन जिन जिन से रिपोर्टर ने पूछा उनसे यही कहा गया, यानी इस मीटिंग में कनाडा को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। खैर, इसका क्या मतलब है? क्या मुसीबतें कम हो गई है कनाडा के पीएम की और मामला सलट गया है? तो ऐसा नहीं है। कनाडा के पीएम के लिए एक और मामला सामने आकर खड़ा है, और ये बेहद इम्पोर्टेंट है। क्यों? स्क्रीन पर आप एलन मस्क की एक ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रेन इसकी एक पिक्चर डाली है, और इसमें इन्होंने कहा है वाव, यहाँ से सारा बवाल शुरू हो रहा है। अब हुआ क्या है, मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक कनाडा की मुस्लिम काउंसिल ने कहा है पीएम ट्रूडो को मांगनी चाहिए माफी। ये माफी नामे की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को माफी मांगना चाहिए। जैसे ही इस मुस्लिम समुदाय ने ये कहा, वैसे
ही विपक्ष के नेता है पियरे, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो को माफी मांगना ही चाहिए। अब ये मामला क्या है तो आपको बता दें, कनाडा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कुछ ऐसे कंटेंट जिसे कहते हैं LGBT राइट्स इन कनाडा, जिसमें ये पाठ्यक्रम शामिल करके हर तरह के वर्ग के पढ़ाई को जोड़ा गया है। कनाडा के जो मुस्लिम समुदाय है वो ये कह रहे हैं कि देखो, आपने स्कूल में जो ये पाठ्यक्रम डाल दिया है, ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने छोटे बच्चों को ये सब पढ़ाना ह्यूमन राइट इस मामले में सही नहीं होगा, तो आप पाठ्यक्रम में बदलाव करो, और बदलाव करके आप ऐसा करो कि हमें दो हक, यानी पेरेंट्स को हक दो हम इसे चुन सकें कि हमें अपने बच्चों को ये पाठ्यक्रम पढ़वाना है कि नहीं पढ़वाना है। अब आपको बता दें, ये बात को लेकर एक मार्च निकाला गया जिस मार्च का नाम दिया गया 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रेन, और इस मार्च के बाद ही बवाल शुरू हुआ। इस बवाल में क्या हुआ, इस मार्च के साथ साथ उतर गई कनाडा की पार्टी और जगमीत भी इसमें खिलाफ दिखे इस प्रदर्शनकारियों के। ये सब कुछ काफी नहीं था कि कनाडा के PM ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके ये कहा, जैसे कोई तानाशाह कहता है, कान खोल के सुन लो, ये सारा कुछ यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये ट्विटर की कटिंग है जिस कटिंग में बड़ी ही कठोर भाषा का इस्तेमाल जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, और इसी भाषा को लेकर अब मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि आप माफी मांगो, आपने जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है ये भाषा बिल्कुल सही नहीं है। और न सिर्फ इतना, बल्कि आप, हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, स्वतंत्रता हमें नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है। तो असली बवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जमा हो रही है, सरकार और प्रोटेस्टर दोनों आमने सामने आ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो के लिए ये एक बहुत मुश्किल भरा हालात हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं कुछ भी बोलने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस तरीके से बोलना लगता है जैसे कि तानाशाही जैसी चीजें हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो वरना फिर समझ लो। अब ये चीजें एक राष्ट्र अध्यक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, और वो हम लोग देख रहे हैं। वैसे ही इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।